वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है वेज पुलाव रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होगी बॉइल्ड राइस, आपको चाहिए होगी राई, आपको चाहिए लाल मिर्च, हल्दी, नमक और तेल आपको चाहिए होगा। वेजिटेबल्स में आप यूज कर सकते हैं, मैंने गोभी यूज कर रही हूँ और आलू यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। कटे हुए ऑनियन आपको चाहिए, टमाटर चाहिए होगा, लहसुन अदरक आपको चाहिए और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने को रख देना है। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा उसमें थोड़ी सी राई डालनी है इस तरह से। जैसे आपकी राई सीख जाएगी आपको उसमें लहसुन और अदरक डालना है। लहसुन पकने के बाद आपको उसमें प्याज डालनी है। प्याज में लंबे आकार में काटे हुए हैं, आप चाहे तो अदर साइड में भी कट कर सकते हैं। ऑनियन के होने के बाद आपने उसमें आलू और गोभी डाल देनी है और इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर लें। इन्हें अच्छे से पकने दें। मैं आपको कहा था आप कोई और वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं। आलू जल्दी पक जाए इसलिए मैं नमक तड़के में डाल ले रही हूँ और हल्दी हल्की हम डाल देंगे और मसाला और रेड मिर्च मिक्स करें इसके साथ। अच्छे से पकने दें आलुओं को और वेजिटेबल्स को। देख सकते हैं इन्हें मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसे हटा दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो हल्की हल्की वाटर डाल के भी इसे पका सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से टमाटर डालूंगी। और अच्छे से टमाटर हम पका लेंगे। टमाटर पकने का वेट करते हैं। ढक दिया है, टमाटर पक चुके होंगे, देख लेते हैं। अब आपने इसमें बॉइल्ड राइस डालनी है इस तरह से। मिक्स करें अच्छे से इसे। और अब हम इसमें धनिया पत्ता गार्निश करेंगे। 2 मिनट के लिए और ढकेंगे। धनिया पत्ता डाल के 2 मिनट सेका था, अब डाल लेते हैं। बिल्कुल आपका रेडी है ये। अब मैं इसे गैस बंद करके सर्व कर ले रही हूँ बाउल में। तो ये रहा आपका वेजिटेबल पुलाव। बहुत इजी रेसिपी है वेजिटेबल पुलाव और ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बनाई जाती है। हिमाचल और पंजाब में वेजिटेबल पुलाव ज्यादा यूज होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।